أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم Hope all of you are fine and taking good care of your health at home and Welcome to the online classes of City English School. The date is 14 September 2020. The day is Monday. Now we will start chapter number 5 of class 7, Water. Explain long question number 1. Explain how water is most essential. Essential ka matlab hota hai important. ठीक है एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ के हमारे जो है वाटर कैसे जो इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर ठीक है प्लांट्स नीड वाटर फॉर सर्वाइवल ठीक है सर्वाइव करने के लिए प्लांट्स को क्या चाहिए वाटर चाहिए होता है ठीक है ज़िंदा रहने के लिए वाटर हेल्प टू डाइजेस्ट और फूड पानी क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करता है फूड को वाटर रिमूव्स वाटर हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अवर बॉडी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर से रिमूव करता है ठीक है वाटर कीप्स अवर बॉडी कूल इनटू हॉट वेदर जब वाटर की वजह से हमारी बॉडी क्या होती है कूल होती है हॉट वेदर के अंदर ठीक है गर्म मौसम के अंदर और नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर इज यूज इन वॉशिंग वॉशिंग के अंदर यूज होता है ठीक है हमारे पास वाटर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन है हाउ मेक और वाटर इम्प्योर कि हम वाटर हमारे पास वाटर इम्प्योर कैसे होता है ठीक है इम्प्योर द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू अ वाटर इज कॉल्ड अ पोल्यूशन जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होती हैं ख़तरनाक जो चीज़ें होती हैं जब वो हमारे वाटर के अंदर ऐड होती हैं तो वो उसके अंदर क्या पैदा हो जाती है पोल्यूशन यानी गंदगी पैदा हो जाती है Harmful and unwanted substances in water is called a pollutant. Harmful और unwanted substances उसको हम क्या कहते हैं pollutants कहते हैं We can classify water pollutants into different groups. अब हम दो groups के अंदर water pollutants को describe करेंगे ठीक है Bacteria, virus and the other microorganisms are diseases causing pollutants. अब जो bacteria होते हैं यानी जो germs वगैरह होते हैं microorganisms वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं pollutant के diseases को क्या करते हैं बनाते हैं उनकी वजह बनते हैं ठीक है Acid, salt, etc. are the water soluble pollutants. अब क्या है acid और salt जो हैं वो soluble pollutants हैं Oil, plastics and plants एंड एनिमल्स इन द वाटर ठीक है अब जो ऑयल प्लास्टिक जो होते हैं ठीक है प्लांट्स जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं वो भी लोग जो हैं वाटर के अंदर ही फेंक देते हैं तो ये भी इससे भी क्या होता है वाटर पोल्यूटेंट होता है यानी गंदा होता है और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन वी प्रिजर्व वाटर क्या हम वाटर को प्रिजर्व कैसे करते हैं टर्न ऑफ द टैब्स ये प्रिजर्व का मतलब सेव कैसे करते हैं टर्न ऑफ द टैब व्हेन यू ब्रश योर टीथ आप क्या करते हैं टैब यानी जो आप लोगों का नल होता है उसको टर्न ऑफ करना है जब आप अपने टीथ को ब्रश कर चुके होते हैं वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनटू अ बाउल जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल वॉश करते हैं धोते हैं जब उनको तो आपने बाउल के अंदर धोना है डोंट वॉश डिशेस अंडर रनिंग वाटर जब पानी नीचे बह रहा हो तो उसके नीचे आपने डिशेस को नहीं धोना चेक रेगुलरली द लीक्स इन वाटर पाइप्स अब जो रेगुलरली आपने चेक करना है कि आपका कोई जो पाइप है वो लीक ना हो रहा हो तो इसकी वजह से हम ये क्या करते हैं ये हमारे पास वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम वाटर को सेव रख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब अ फ्यू मेथड्स टू क्लीन वाटर कुछ मेथड्स आप बताएं जिसकी वजह से हम वाटर को साफ कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड्स आर टू क्लीन टू वाटर अब बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम जिनकी वजह से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं ठीक है बाय बॉयलिंग सबसे जो इजी मेथड है जो हम लोग घरों में भी यूज़ कर सकते हैं वो क्या है बॉयलिंग के थ्रू ठीक है बॉयलिंग इज़ द सेफेस्ट वे टू प्योरीफाई वाटर अब जो बॉयलिंग है वो सबसे सेफ वे है जिस पर हम क्या करते हैं प्योरीफाई वाटर कर सकते हैं इन विलेजेस पीपल कैन ईजिली यूज़ दिस मेथड टू प्योरीफाई वाटर ठीक है अब ये क्या होता है कि हम लोग विलेज के अंदर गांव के अंदर जो होते हैं इजीली लोग क्या है मेथड को यूज़ करते हैं और अपने वाटर को साफ करते हैं ठीक है उसके बाद है बाइक्लोरीनेशन ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है बाइक्लोरीनेशन अब क्लोरीनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं
If boiling is not possible, we add लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच टू द वाटर. अब क्या है कि जब बॉइलिंग नहीं पॉसिबल हो सकती तो हम क्या करते हैं, लिक्विड हाउस होल्ड ब्लीच होती है वो वाटर के अंदर ऐड कर दें, ठीक है. तो वो क्या होता है, वाटर हमारा प्योरीफाई हो जाता है. उसके बाद रहता है यूज़ ऑफ पोटैश एलम. यूज़ यहाँ पे ये जो मिस प्रिंट आया हुआ है यहाँ पर लिखो यूज़ ऑफ पोटैश एलम. वी कैन ऐड पोटैश एलम टू द वाटर टू प्योरीफाई इट. अब हम क्या करते हैं कि वाटर पोटैश एलम यूज़ करते हैं, डाल देते हैं पानी के अंदर, तो हमारे पास क्या होता है, वाटर प्योरीफाई हो जाता है. ये हमारे पास बाई केमिकल थ्रू है, ठीक है, कि हम लोग केमिकल के थ्रू कैसे प्योरीफाई वाटर कर सकते हैं. और ये हमारे पास सेफेस्ट वे है जो हम लोग ईजिली घरों के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. ये मेथड्स वो हैं जिन्हें हम जो हम ईजिली वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है. अब आपने ये चारों क्वेश्चंस को याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और अपनी अच्छे रजिस्टर पर लिखना भी है. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.